गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर रजनीनंदा। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग आपकी हिंदी ग्रामर की बुक में पार्ट 4 संज्ञा रिवाइज करेंगे। इसे मैंने रेमेडियल क्लास में भी कई बार करवाया है। तो संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से व्यक्तियों, स्थानों, प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो, ठीक है, या हम इनको क्या कहते हैं, आपको शॉर्टकट में जब बताया जाता है कि नाम को कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ये पिक्चर दिखाई गई थी, इसके अंदर सभी चीज़ों के, वस्तुओं के नाम हैं। ये घर है, ये कबूतर है, ये आम है, ये पेड़ है, ये लड़का है, लड़के का नाम, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? संज्ञा है। तो हम इजी लैंग्वेज में आप इसे ये कह सकते हैं कि नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो जिन शब्दों से व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तु का बोध होता है, पता चलता है, वे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, प्राणियों के नाम और भावों के नाम, ये सब क्या हैं? संज्ञा। आप इधर देखेंगे, मीना, अमन, राकेश, रिया, ये क्या हैं? व्यक्तियों के नाम है और ये सब क्या है? संज्ञा है। पुस्तक, कलम, कुर्सी, पंखा, मेज, ये सारे क्या होंगे? ये पेन, किताब, ये सब क्या है? वस्तुएं हैं और ये सब वस्तुओं के नाम हैं, तो ये सब क्या है? संज्ञा। दिल्ली, ताजमहल, इलाहाबाद, आगरा, जयपुर, मुंबई, ये सारे क्या हैं? स्थान के नाम हैं। तोता, चूहा, तितली, कबूतर, कुत्ता, बिल्ली, तो ये सारे क्या हैं? प्राणियों के नाम। ये सब नाम क्या हैं? ये सब संज्ञा कहलाते हैं। खुशी, गर्मी, बुढ़ापा, जवानी, ये क्या हैं? भाव के नाम, ठीक है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। फिर इसके बाद इसका बुकवर्क। सही उत्तर पर टिक लगाना है। गुलाब, कमल और गेंदा डैश के नाम हैं। पेड़ों के नाम हैं ये, या फूलों के, या फलों के। तो गुलाब, कमल और गेंदा क्या हैं? फूलों के नाम, फूलों पर राइट लगा लेंगे। दिल्ली, मुंबई और आगरा डैश के नाम हैं। किसके नाम हैं? प्राणियों के, वस्तुओं के या शहरों के? शहरों के, तो इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है कलम, टेलीविज़न और रेडियो डैश के नाम हैं। कलम, टेलीविज़न और रेडियो क्या हैं? ये सब चिड़ियों के नाम हैं, वस्तुओं के या भावों के? तो ये क्या हैं? वस्तुओं के नाम हैं, तो वस्तुओं पर टिक लगाएंगे। ऐसे ही आगे है कि नीचे दिए गए प्राणियों के नाम लिखो। ये प्राणी हैं, मछली, खरगोश, कुत्ता, आप इसे नेवला कह सकते हैं, ठीक है, नेवला है ये, तो हम इसे लिख देंगे यहाँ पे प्राणियों के नाम। आगे कुछ इमारतों के नाम हैं, ठीक है, जैसे कि लाल किला है, ताजमहल है और ये मुंबई हाई है, गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? स्थानों के नाम हैं। ऐसे ही आपको आगे दिया था कि दो नाम और लिखने हैं। शहर, दिल्ली, लंदन, दो नाम हमें लिख के दिए हैं। ऐसे ही हमें दो नाम और लिखने थे, आगरा, जयपुर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। वस्तु, कार, पुस्तक, तो दो वस्तुओं के और नाम लिखने हैं। आप पेंसिल, किताब, कुछ भी लिख सकते हैं। पशु, भेड़िया, खरगोश, आप और लिख सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, मछली, कुछ भी लिख सकते हैं। पक्षी, कोयल, मोर, आप यहाँ लिख सकते हैं। चिड़िया, कबूतर। व्यक्ति, रमेश, शिखा, अमन, निशा, कुछ भी लिख सकते हैं, ना। तो ये नाम, नाम के बिना कोई चीज़ नहीं होती है बच्चों। मैंने रेमेडी क्लास में, एक्टिविटी क्लास में बहुत बार संज्ञा करवाई है, तो आप इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा नाम नाम ही है, कि संज्ञा क्या है? नाम, ठीक है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आप अपना ये बुकवर्क कंप्लीट कर लेंगे और इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि इसमें ये भी है कि करो और सीखो, कविता में आए संज्ञा शब्द पर गोला लगाओ, तो आप ये कविता पढ़ेंगे, इसमें जो भी संज्ञा शब्द हैं, किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, उन पर सर्कल लगाना है आपको। मैंने एक्टिविटी क्लास में ये भी करवाया था, चित्रों के स्थान पर, चित्र के स्थान पर उनका नाम लिखना है। जैसे ये गुड्डा है, तो यहाँ गुड्डा, नानी, दादी, ठीक है, कपड़े, लड्डू या मिठाई, ढोल, तो इस तरह से पिक्चर की जगह पर पिक्चर का नाम लिखना है और ये आपकी कंप्लीट हो जाएगा। फिर काम इसको आप करेंगे। ओके, थैंक यू।